नमस्कार, मैं साधना, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सामाजिक संस्था नवयुग जन चेतना सेवा संस्थान द्वारा विगत 3 फरवरी को विकास खंड हसनगंज की ग्राम पंचायत सिकनापुर के वज्राधिकारी खेड़ा में आयोजित हुए निःशुल्क मोतियाबिंद आई कैंप में 158 मरीज मोतियाबिंद के पाए गए थे, जिन सभी मरीजों को कानपुर के नारी समर्था साई आई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 153 मरीजों के मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन हुए। वहीं पर पांच मरीजों का ब्लड प्रेशर अधिक होने के कारण उनका ऑपरेशन नहीं हो सका। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद विकास खंड काकोरी जनपद लखनऊ से कैंप में आई कमला और राम प्यारे ने कहा, जुग जुग जियो मेरे लाल। इसी प्रकार किसाना राम, कली सीताराम, पार्वती, गणेश, भोले, मदन गुप्ता ने एक स्वर में दुआएं देते हुए कहा, पुत्तन बच्चा, असली पूत तो तुम ही हो। बुजुर्गों की दुआएं सुन भावुक हो पुत्तन लाल पाल ने कहा कि दीन दुखियों की सेवा करना ही परमात्मा की सेवा करना है। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा करना एवं सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ समाज को जागरूक करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इस अवसर पर संस्था के मंजेश पाल, अनिश, मनोज, लव कुश, हर्षित पाल, अनिल कुमार, दीपू सिंह, नागेंद्र सहित दर्जनों संस्था के सदस्य मरीजों की सेवा में अस्पताल में मौजूद रहे। युवा तक भारत समाचार के लिए SK पाल की रिपोर्ट।